देखिए हमारे नबी कैसे हैं, सिर्फ प्रोग्राम करने से कुछ होता नहीं, कम से कम नबी के कुछ अखलाक तो अपना लो, कुछ चीजें तो अपना लो। रबीउल अव्वल आता है, किसी से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इतना याद रखो मुकाबले का जमाना है। तुम जितने झंडे हिलाओगे 10 गुना ज्यादा झंडे दूसरे हिलाएंगे, और सिर्फ झंडे वो हिलाएंगे नहीं, मस्जिदों पर हमला भी करेंगे, मस्जिदों पर हमला भी करेंगे। इसलिए कि बिदात से कभी भी बरकत नहीं आती है, बिदात से कभी भी बरकत नहीं आती है, बिदात से फसाद होता है, बिदात से फितने होते हैं, खून खराबा होता है। और दूसरा लफ्ज कह रहा हूं, सुन्नत हमेशा बरकत लाती है, सुन्नत हमेशा बरकत लाती है, और नबी की हर सुन्नत, मेरा लफ्ज नोट करके लेकर जाना, सारी दुनिया के लोग मेहनत कर जिस नतीजे पर पहुंचते हैं उसके सामने हमें नबी की सुन्नत मिलती है। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी आपको, सारी दुनिया मिलकर मेहनत कर जिस नतीजे पर पहुंचती है, अच्छे नतीजे पर, उसके सामने, अरे ये तो हमारे नबी ने हमसे कहा है, पहले ही कह दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सांस में पानी पीना, छोटी बात, 3 सांस में पानी पीना, गिलास के अंदर सांस नहीं छोड़ना, ये हमारे नबी ने कहा है। आज साइंटिस्ट कहता है ज्यादा पानी पीने से फायदा नहीं होता है, पानी को मुंह में रखकर आप अगर जरा जरा करके पिएंगे तभी पैदा होगा, अगर पानी डायरेक्टली मैदे में चला जाएगा तो फिर मैदा खराब हो सकता है, इसलिए मुंह में रखकर आराम से पानी पियो, ये बात तो मेरे नबी ने पहले ही कह दिया है। तुम इतनी दूर जाने के बाद जहां पहुंचते हो, सुन्नत जिसे कहते हैं, वो हमारी जिंदगी की राहत है मेरे भाई। नबी ने कहा दोपहर का खाना खाने के बाद कैलुला कर लिया करो, कितनी बातें कैलुला के बारे में, कितनी हदीसें हैं, सारी दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं अगर लेटने के लिए तुम्हें बिस्तर नहीं मिल रहा है, तुम्हारे टेबल पर सर रखकर 15 मिनट सो जाओ, तुम्हें बड़े फायदे होंगे। जहां दुनिया पहुंचती है उसके सामने हमारे नबी की हदीस हमें मिलती है।